हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल क्रिएटिंग वेल्थ। तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ रिफ्रैक्टरी सेक्टर से एक बहुत ही बेहतरीन शेयर। शेयर ने बहुत ही अच्छा परफॉर्म करके दिखाया है कुछ प्रीवियस ही मंथ्स में। तो फ्रेंड्स, शेयर क्या इनके प्रोडक्ट्स हैं कंपनी के, एंड कंपनी का आगे क्या एक्सपेंशन प्लान है, और एक्सपेंशन प्लान को देखते हुए कंपनी का शेयर कहाँ तक आगे जा सकता है आने वाले 3 से 4 क्वार्टर में, उसका पूरा डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप मेरे यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि आपको डिटेल्ड एनालिसिस वाली जो वीडियोस हैं आपको बड़ी आसानी से मेरे चैनल पे मिल जाया करेंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कंपनी का नाम है IFGL रिफ्रैक्टरीज लिमिटेड। IFGL रिफ्रैक्टरीज लिमिटेड इज अ मैन्युफैक्चरर ऑफ स्पेशलाइज्ड रिफ्रैक्टरीज एंड रिक्विसाइट ऑपरेटिंग सिस्टम्स फॉर आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। तो इनकी जो प्रोडक्ट्स है वो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज में डिमांड रहती है इनके प्रोडक्ट्स की। IFGL हैज अ लार्ज पूल ऑफ ट्रेंड इंजीनियर एंड एप्लीकेशन स्पेशलिस्ट टू ऑफर कस्टमर्स टोटल सॉल्यूशन फॉर रिफ्रैक्टरी फॉर फ्लो कंट्रोल इन स्टील टीमिंग एंड कंटिन्यूस कास्टिंग ऑफ स्टील। तो इनके जो प्रोडक्ट्स हैं उनके प्रोडक्ट्स के बारे में हम बड़े आराम से एक बार डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे। कंपनी नाउ हैव मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज इन चाइना, जर्मनी, इंडिया, यूके एंड यूएसए। 5 कंट्रीज में इनकी जो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज है। एंड IFGL इंडियन मल्टीनेशनल कंपनी फ्रॉम SK बजोरिया ग्रुप। तो SK बजोरिया ग्रुप की ये कंपनी है। प्रोडक्ट्स आप देखें फ्रेंड्स, इनके जो प्रोडक्ट्स हैं आइसोस्टेटिक रिफ्रैक्टरीज, मेटल श्राउड एंड थिन स्लैब, मोनोब्लॉक स्टॉपर, स्लाइड गेट रिफ्रैक्टरीज। स्लाइड गेट जो होते हैं उनके लिए भी इनके पास में प्रोडक्ट्स रहते हैं, स्लाइड गेट मैकेनिज्म, स्लाइड गेट रिफ्रैक्टरीज, ट्यूब चेंजर सिस्टम एंड रिफ्रैक्टरीज, पर्जिंग सिस्टम एंड रिफ्रैक्टरीज। इनकी ब्रांड आप देखिए IFGL, मोनोकॉन, सेरामिक एंड कास्ट प्रोडक्ट एंड मोनोलिथिक्स। कास्टिंग प्रोडक्ट्स भी ये बनाते हैं। जिरकन एंड जिरकोनिया नोजल्स, इंजीनियरिंग डिवीजन भी ये बनाते हैं। फाउंड्री सेरामिक्स में आप दे रख सकते हैं सेरामिक फिल्टर फॉर फाउंड्री, क्रूसिबल्स और वाटर रेजिस्टेंस पार्ट। तो काफी प्रोडक्ट्स ये बनाते हैं मेटल एंड साथ के साथ में आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री के लिए, मेटल सेक्टर के लिए ये प्रोडक्ट्स बनाते हैं। तो फ्रेंड्स चलिए स्टार्ट करते हैं, थोड़ा सा और इनका डिटेल्ड एनालिसिस करते हैं। आप देख सकते हैं स्ट्रॉन्ग स्टैंड अलोन एंड कंसोलिडेटेड परफॉर्मेंस है कंपनी की, 47% ईयर ऑन ईयर। क्योंकि मेटल सेक्टर में तो डिमांड काफी अच्छी आ ही रही है, उस चक्कर में रिफ्रैक्टरीज का जो सेक्टर है वो भी काफी अच्छा ग्रो करता हुआ दिख रहा है। आप देखें प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, देखें आप 240% का ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है। बेहतरीन ग्रोथ कंपनी ने इस बार दर्ज किया है। और स्टैंड अलोन फाइनेंशियल हाइलाइट्स आप देखिए, एवरी पैरामीटर पे आपको स्टॉक जो है बेहतरीन प्रदर्शन करता हुआ आपको नजर आएगा। स्ट्रॉन्ग डिमांड रिकवरी इन ऑल द मार्केट, इंप्रूव्ड रियलाइजेशंस एंड कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन एफर्ट हैज लेड टू स्ट्रॉन्ग ग्रोथ इन रेवेन्यू एंड प्रॉफिटेबिलिटी। स्टैंड अलोन नेट प्रॉफिट आप देखिए, बहुत ही बेहतरीन स्टैंड अलोन नेट प्रॉफिट इनका निकल के इस बार आया है। IFGL बेहतरीन कंपनी। ऑनगोइंग केपेक्स, तो फ्रेंड्स ये मेरे को बात करनी थी ऑनगोइंग केपेक्स पे कि कंपनी के क्या आगे एक्सपेंशन प्लान है। IFGL उड़ीसा प्लांट आप देखिए 10 करोड़ का फॉर नॉर्मल केपेक्स, FY 2020 तक ये कर देंगे 10 करोड़ का नॉर्मल केपेक्स इन्हें करना है। एंड कांडला प्लांट में ये एक्सपेंशन फेज फर्स्ट कंप्लीट इन FY 2020 में फर्स्ट कंप्लीट हो गया। फर्दर कॉस्ट 10 करोड़ यहाँ भी एंड 22 में, तो वर्क इन फुल स्विंग। तो 22 में इनका एक 10 करोड़ का IFGL कांडला प्लांट में भी ये एक्सपेंशन कर रहे हैं। विशाखापट्टनम प्रोजेक्ट, 10 करोड़ की लैंड इन्होंने वहां पे ली है विशाखापट्टनम में, 10 एकड़ की रेंट, वहां ये मैन्युफैक्चर करेंगे न्यू प्रोडक्ट मोनोलिथिक्स एंड प्रीकास्ट शेप्स के लिए। फेस वन जो है वो स्टार्ट हो जाएगा Q1 FY 2020, यहाँ पे 30 करोड़ ये लगाएंगे। एंड फेस सेकेंड जो स्टार्ट होगा FY 2023 में ये लगाएंगे, वहां पे ये 20 करोड़ का एक्सपेंशन करेंगे। तो फ्रेंड्स देखिए इनके पास में FY 2023 तक के अच्छे खासे इनके पास में प्रोजेक्ट है, एक्सपेंशन के प्रोजेक्ट। कैपेक्स टिल डेट फंडेड आउट ऑफ इंटरनल एक्रुअल्स।
तो इनके पास में आने वाले 3 से 4 साल के लिए अच्छा एक्सपेंशन प्लान है। एक्सपेंशन प्लान को देखते हुए कंपनी का धीरे धीरे प्रोडक्ट पोर्टफोलियो बढ़ेगा, रेवेन्यू जंप होगा, साथ के साथ इनका प्रॉफिट जंप होगा। तो आप देख सकते हैं बड़े ही आराम से आप कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हैं आने वाले 3 से 4 साल के लिए। लॉन्ग टर्म आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। कंपनी में डिमांड अच्छी है, आप देखें ग्लोबल स्टील डिमांड आउटलुक देखें, आप वर्ल्ड में अच्छा खासा डिमांड जनरेट हो रही है। एक्सक्लूडिंग चाइना भी आप देखें अच्छी खासी डिमांड हो रही है जनरेट, डेवलपिंग इकोनॉमीज में भी डिमांड जनरेट हो रही है। और आफ्टर पोस्ट लॉकडाउन तक जो है इनका रिकवरी हो चुकी है स्टील की डिमांड की, जिस तरीके से देखा जा रहा है। एंड फोरकास्टेड ग्लोबल शॉर्ट टर्म स्टील डिमांड आप देखें, शॉर्ट टर्म में जो स्टील डिमांड है वो आपको एवरी जगह पे, आपको मिडिल ईस्ट ले लें, अफ्रीका ले लें, एवरी कंट्रीज में आपको बढ़ती हुई दिखेगी। स्टील डिमांड इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो स्ट्रॉन्गली अक्रॉस ऑल पार्ट ऑफ द वर्ल्ड इन 2021। एंड टॉप 5 स्टील कंज्यूमिंग कंट्रीज, इंडिया सेकेंड नंबर पे आती है, फर्स्ट नंबर पे चाइना, यूएस, जापान एंड साउथ कोरिया। तो इंडिया के पास में अच्छा एक रूम है आगे इंक्रीज होने के लिए। और नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन इनके पास में प्रोजेक्ट भी है, NIP प्रोजेक्ट है, गवर्नमेंट का एक मल्टी मिलियन डॉलर नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन विद प्रोजेक्ट स्प्रेड अक्रॉस 18 स्टेट्स ओवर द नेक्स्ट 5 ईयर। देखिए आप इनके पास में जो प्रोजेक्ट है नेक्स्ट 5 ईयर्स में। एंड 5 ट्रिलियन इकोनॉमी, इंडिया नीड टू स्पेंड अबाउट 1.4 ट्रिलियन ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर टू बिकम्स अ 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बाई 2025। फ्रेश इन्वेस्टमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर, दिस फ्रेश इन्वेस्टमेंट इन पावर, रेलवेज एंड वाटर कपल्ड विद रिन्यूड इंटरेस्ट इन ऑटोमोबाइल सेक्टर इज बाउंड टू ब्रिंग इन फ्रेश डिमांड फॉर स्टील। तो स्टील में जो डिमांड जो आगे आएगी उससे काफी इन्हें फायदा मिलेगा आने वाले 4 से 5 साल के लिए। डोमेस्टिकल स्टील इंडस्ट्री में आप देखिए स्ट्रॉन्ग फुटिंग फॉर लॉन्ग टर्म। इंडिया इस समय वर्ल्ड सेकेंड लार्जेस्ट स्टील प्रोड्यूसर है, इन्होंने जापान को सरपास कर दिया है इंडिया ने स्टील के क्षेत्र में। एंड टारगेट आप देखें 2030 तक इनका 300 मेट्रिक टन का प्रोडक्शन का इनका टारगेट है। स्ट्रॉन्ग रिकवरी है ऑल सेक्टर्स में, रियल इस्टेट एंड ऑटो एंड साथ के साथ इकोनॉमिक रिकवरी भी अच्छी खासी हो रही है। ग्रोथ ड्राइवर देखिए आप इंडियन स्टील इंडस्ट्री के लिए, एंटी डंपिंग ड्यूटी एक तो पॉलिसी जो है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, रॉ मटेरियल एंड कॉस्ट इफेक्टिव लेबर अवेलेबल है, ह्यूज एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटी है, एक्टिव लोकल इन्वेस्टमेंट, 100% FDI, नेशनल स्टील पॉलिसी एंड अदर गवर्नमेंट इनिशिएटिव आर एक्सपेक्टेड टू सपोर्ट द स्टील इंडस्ट्री, बूस्ट यूसेज ऑफ रिफ्रैक्टरी प्रोडक्ट सिग्निफिकेंटली, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री अकाउंट फॉर अप्रोक्सीमेटली 71% ऑफ द रिफ्रैक्टरीज मार्केट शेयर। आत्मनिर्भर भारत इमर्जिंग अपॉर्चुनिटी मिल रही है बजट 21 से, क्योंकि तो बजट में इन्होंने जो इस बार जो बजट आया है कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट काफी है, तो डिमांड स्टील के लिए काफी रहेगी इंडस्ट्री में कंट्री में। एंड गवर्नमेंट इंसेंटिव भी दे रही है अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए एंड व्हीकल स्क्रैपेज पॉलिसी के लिए, तो वहां से भी डिमांड निकलती हुई नजर आएगी रियल इस्टेट एंड ऑटो सेक्टर में भी। एंड नो ग्लोबल टेंडर फॉर लेस देन 200 करोड़ प्रोजेक्ट, आप देख सकते हैं यहाँ पे कोई ग्लोबल टेंडर नहीं माना है, तो यहाँ की जो कंपनियां हैं वो अच्छा खासा काम करेंगी। PSU स्टील कंपनीज हैव ऑलरेडी स्टार्टेड इंप्लीमेंटिंग दिस। तो आत्मनिर्भर भारत मेक इन इंडिया से इन कंपनीज को काफी फायदा मिलता हुआ आगे दिखेगा। आप देखें व्हाट आर रिफ्रैक्टरीज, रिफ्रैक्टरीज आर मटेरियल हैविंग हाई मेल्टिंग पॉइंट, हाई मेल्टिंग पॉइंट पे जो मटेरियल है वो मेल्ट किया जाता है with properties that makes them suitable to act as heat resistant resisting barriers between high and low temperature zones. Refractories are inorganic non-metallic matter which can withstand high temperature without undergoing physical and chemical changes while remaining in contact with molten slag, metal and gases. Raw material आप देखें, raw material इन्हें जो जरूरत पड़ती है सिलिकन, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, जर्कोनियम, तो बड़े आराम से यहाँ प्रोवाइड हो जाते हैं, कार्बाइड्स, नाइट्राइड्स, बोराइड्स, सिलिकेट्स, ग्रेफाइट्स। एंड यूजेस आप देख सकते हैं जो यूजेस हैं, टाइप्स ऑफ रिफ्रैक्टरीज आप यहाँ टाइप्स ऑफ रिफ्रैक्टरीज, ऑल टाइप्स ऑफ रिफ्रैक्टरीज कंपनी के पास में अवेलेबल हैं।
जो रिफ्रैक्टरीज हैं आप यहाँ पे देखें, इनका ग्लोबल एमएनसीज IFGL के ग्लोबली है, यूएस, यूके, चाइना, जर्मनी एंड इंडिया। और स्ट्रक्चर आप कॉरपोरेट स्ट्रक्चर देख सकते हैं इनका, कॉरपोरेट स्ट्रक्चर बेहतरीन है, 10 की फेस वैल्यू पे है कंपनी, आप 100% इन सब ग्रुप में इनका इन्वेस्टमेंट है, यूएस, यूके, चाइना, जर्मनी, यूएसए। प्रूवन मैनेजमेंट, मैनेजमेंट बहुत ही मैनेजमेंट अच्छा है, एसके बजोरिया चेयरमैन है इसके, और डाइवर्सिफाइड बिजनेस एक्टिविटीज, इनको अच्छा खासा इसमें एक्सपीरियंस है, और ये प्रेसिडेंट भी हैं ICC के, इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स, एंड डायरेक्टर भी हैं वेस्ट बंगाल इंडस्ट्री डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के। तो बेहतरीन जो मैनेजमेंट है, अच्छा खासा मैनेजमेंट है, स्पेशलाइज्ड रेफ्रैक्टरीज स्टेटमेंट सेजमेंट में भी ये काम कर रहे हैं, और रेपुटेड नेम्स जुड़े हुए हैं ग्लोबल इंडस्ट्री के इनके साथ में, जिनको ये अपने जो प्रोडक्ट हैं वो सप्लाई करते हैं, टाटा, आर्सलर मित्तल, चाइना स्टील, सेल, जिंदल, JSW। तो जिस तरीके से धीरे धीरे स्टील सेक्टर में डिमांड आएगी, मेटल सेक्टर में डिमांड आएगी, रिफ्रैक्टरी सेक्टर में भी डिमांड आपको दिखती आती हुई दिखेगी। रिफ्रैक्टरीज मार्केट ग्रोथ परसुएंट ऑन कंस्ट्रक्शन एंड स्टील रिकवरी इन 21। एंड आप देखें ग्लोबल स्टील रिफ्रैक्टरी मटेरियल मार्केट, द बाय प्रोडक्ट टाइप एंड प्रोसेस, ऑक्सीजन फर्नेस, इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस, धीरे धीरे इसमें भी द ग्रोथ इन स्टील रिफ्रैक्टरी मटेरियल मार्केट इज मेनली ड्रिवन बाय ग्रोइंग अर्बनाइजेशन एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन, स्पेशली इन इमर्जिंग इकोनॉमीज सच एज इंडिया एंड चाइना, विच हैज लेड टू सिग्निफिकेंट इन्वेस्टमेंट इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ रेजिडेंशियल एंड कमर्शियल बिल्डिंग्स। तो फ्रेंड्स, थोड़ा सा हम डिटेल एक टेक्निकल एनालिसिस करेंगे इनके जो चार्ट है उस पर। तो चार्ट, ये मैंने मैक्सिमम चार्ट इसका शेयर का ओपन कर रखा है, आप देख सकते हैं शेयर बिल्कुल जस्ट अपने लॉन्ग टर्म हाई पे जो है, लाइफ टाइम हाई पे अपना शेयर इस समय खड़ा है, क्योंकि डिमांड है मेटल सेक्टर में अच्छी खासी डिमांड है, तो शेयर अपने हाई पर चल रहा है। आप देखें यहाँ पे 42 का सेक्टर पी है, इनका 62 है, थोड़ा सा ऊपर है, 0.75 की डिविडेंड यील्ड शेयर प्रोवाइड करा रहा है। आप वीकली एंड मंथली चार्ट पे एवरी इंडिकेटर पे आपको शेयर बुलिश नजर आएगा, तो बुलिशनेस शेयर की अच्छी है, काफ़ी अच्छी है। 10 की फेस वैल्यू है, 15 की EPS है, एंड 225 की इनकी बुक वैल्यू है, तो बुक वैल्यू काफ़ी अच्छी है। आप चार्ट यहाँ पे भी देख सकते हैं, ये कैंडल स्टिक में चार्ट आप देखें, शेयर तो यहीं बस थोड़ा सा कंसोलिडेशन कर रहा है, कंसोलिडेशन जस्ट थोड़ा सा कंसोलिडेशन करके फिर से ऊपर चलने लगता है, तो शेयर कंसोलिडेशन करता है फिर ऊपर चलने लगता है, गिरता नहीं है, बहुत कम गिर रहा है, क्योंकि मार्केट में डिमांड है, मेटल सेक्टर में डिमांड है, और आगे गवर्नमेंट के इनिशिएटिव हैं उनसे भी इनको सपोर्ट मिल रही है, काफ़ी आगे अच्छी खासी इनको सपोर्ट मिल रही है, ईयर ऑन ईयर डिविडेंड भी दे रहे हैं, आप प्रॉफिट के थ्रू अंदाजा लगा सकते हैं, बेहतरीन ग्रोथ नजर आ रही है। आप देखें डबल 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 क्वार्टर ऑन क्वार्टर डबल डबल प्रॉफिट हो रहा है, मल्टीपल प्रॉफिट हो रहा है। आप देखें 2.83 की EPS जो है 10.34 हो गई एक क्वार्टर छोड़ने के बाद, एंड ROE आप देखिए, आप इनकी 3 की ROE अभी जनरेट करके दे रहा है, लेकिन आगे जैसे जैसे इनकी जो डिमांड आएगी, इनका प्रॉफिट जैसे जैसे बढ़ेगा, और जो एक्सपेंशन ये करेंगे, ROE भी आगे आपको बढ़ती हुई नजर आएगी। तो फ्रेंड्स, 337 रुपीज पे शेयर इस समय अभी चल रहा है, और इसके जो टारगेट हैं आने वाले टाइम में आपको तीन से चार क्वार्टर के अंदर ये शेयर आपको 450 से 500 रुपये तक के बड़े आराम से आपको टारगेट दिखा सकता है, बड़े आराम से ये प्राइस दिखा सकता है। लाइफ लॉन्ग टाइम शेयर आप अगर लेके चलेंगे तो अपने पोर्टफोलियो में आप लॉन्ग टर्म के लिए शेयर लेके चल सकते हैं, बेहतरीन शेयर है। और अपनी जो मार्केट है उस मार्केट कैप का ये सेकंड थर्ड पे आता है, बेहतरीन शेयर है IFGL रिफ्रैक्टरीज। तो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसी लगी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, जिससे कि आपको इस तरीके की और डिटेल्ड एनालिसिस वाली जो वीडियोज हैं बड़ी आसानी से मिल जाया करेंगी। IFGL रिफ्रैक्टरी बहुत ही सॉलिड शेयर है, आप इसमें इन्वेस्ट बड़े आराम से कर सकते हैं। थैंक यू।